हेलो रिवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल सेकंड का एग्ज़ाम। तो मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था, 12:45 से आपकी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट थी और 2:15 पे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो वही 2:30 बजे तक मैं फ्री हो गया था एग्ज़ाम से। लेकिन मैं, जैसा आपको पता है, दिल्ली में रहता हूँ और मेरा सेंटर 300 किलोमीटर दूर जयपुर में पड़ा था। तो जो सेंटर था वो थोड़ा आउटर साइड पड़ा था, वहाँ से रूम तक आने में काफ़ी टाइम लग गया, इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा और मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। तो एग्ज़ाम का लेवल आप मीडियम कह सकते हैं, लो कहीं से भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे वो सेम उसी लेवल के थे जिस लेवल के क्वेश्चन लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 में एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछे थे। सेम उसी लेवल के क्वेश्चन लेवल 2 में पूछे गए थे। मैंने देखिए लेवल 6 और लेवल 4 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे आंसर की से, तो सेम वही लेवल के क्वेश्चन मुझे लेवल 2 में देखने को मिले। मैंने अटैम्प्ट करें आपके 103 क्वेश्चन टोटल मैंने अटैम्प्ट करे, जिसमें आप एक्यूरेसी 90% लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे 8 से 10 क्वेश्चन इसमें मैंने तुक्के लगाए थे तो रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, हम जब सोचते हैं कि हमारे 8-10 रॉन्ग हो सकते हैं तो वही हमारे 12-15 रॉन्ग निकलते हैं एग्जाम में, ठीक है। सबके साथ यही होता है, जब आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो 90-100% ट्रू हो सकते हैं, एकदम करेक्ट हो सकते हैं। बाकी 10-15 में सिली मिस्टेक्स और तुक्के वगैरह भी सब लोग लगाते हैं। तो 102 अटैम्प्ट करें। बाकी जो लोग लेवल सेकंड का एग्ज़ाम सोचकर आए थे तैयारी करके, जिन्होंने लेवल सेकंड के लेवल की तैयारी करी थी, उनको एग्ज़ाम सच में बहुत ज़्यादा टफ लगा होगा, क्योंकि सेम लेवल 4 और 6 के लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो उनको, जिन्होंने लेवल सेकंड के हिसाब से तैयारी करी थी, उनके लिए ज़रूर टाइम टेकिंग भी होगा एग्ज़ाम में, उनके लिए टाइम भी सफिशिएंट नहीं रहा होगा। बाकी मेरे हिसाब से टाइम सफिशिएंट रहा, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, एसएससी लेवल की तैयारी आप कर रहे थे तो ही आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते, वरना टाइम की कमी आपको आने वाली थी यहाँ पे, ठीक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत सारे थे, लगभग 5 से 6 मेंसुरेशन क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। आप लगा सकते हैं मैथ्स के हर चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूरा जो चैप्टर है, जितने भी चैप्टर हैं मैथ्स के, सबसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपके लगभग 2 क्वेश्चन थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, सर्कल का आपको जो एरिया है वो फाइंड करना था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग में मैंने अपनी 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चन करें। मैथ और रीजनिंग में देखिए, ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा जो आपको ना आता हो, बट दिक्कत ये थी कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थे। फॉर्मूला ऐसा कोई भी नहीं होगा जो आपको ना आए, ठीक है। आपको जो CISI है उसकी प्रैक्टिस करके जानी है, CI का क्वेश्चन भी था, SI क्वेश्चन भी आ रखा था, 3 क्वेश्चन थे टोटल CISI से और सही कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। बाकी मैंने आपको बता दिया, सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रखे थे, ज़्यादा वेटेज थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, CISI की और आपके जो मेंसुरेशन है, इन 3 चैप्टर की बहुत ज़्यादा वेटेज थी। एक आपका LCMHSA का क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, जिसमें लीस्ट 6 डिजिट का नंबर पूछ रखा था, उसको जब 462 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपका बचेगा रिमाइंडर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा था। रीजनिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट के थे, जिसमें 7 लोग बैठ रहे हैं सर्कुलर टेबल पे, 5 लोग बैठ रहे हैं, 6 लोग बैठ रहे हैं, इस टाइप के 7 से 8 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। तो मेरा यही रहेगा, जिनका कल एग्ज़ाम है, फिर आगे 15-16 तारीख को एग्ज़ाम है, जो भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट लगे कि भाई ये लेंथी हो सकता है, लंबा जा सकता है, उसे तुरंत छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, एंड में टाइम बचता है तो उसके पास आइए, ठीक है। पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको ईजी लगे, वन लाइनर लगे और जल्दी आप कर सके। रीजनिंग आपकी टाइम टेकिंग थी, उस पर ध्यान देना है। सीरीज़ के 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, जैसे 4, 5 और 3, ये मिला के 21 बनाता है, कुछ भी इनके बीच में मैथमेटिकल लग रहा हो, कोई भी कैलकुलेशन लग रही हो, ऐसे ही 2 नंबर और दे रखे हैं, अब क्या बनेगा इसका, ठीक है, ये आपको लॉजिक सोचना पड़ता है। ऐसे एक और था रीजनिंग का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन बना रखे थे। तो लेवल 2 का आप सोच रहे हैं कि लेवल 2 था, ईजी पेपर आया होगा, तो ऐसा नहीं था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डाल रखे थे। तो ये थी रीजनिंग और मैथ्स की बात। रीजनिंग मैथ्स से मुझे लगता है मैंने अपनी 100% एक्यूरेसी से सारे क्वेश्चन करे हैं, किसी में कोई तुक्का नहीं लगाया था मैंने। बाकी जब आंसर ही आएगी तब पता चलेगा, आंसर की मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कितने मेरे नंबर बने, कितने गलत गए, कितने करेक्ट रहे 102 में से, 103 में से, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। आगे बात करने से पहले मैं एक बार आपको टेस्ट बुक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मॉक टेस्ट देने के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है और आप किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं टेस्ट बुक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, पिछले 2 साल से मैं टेस्ट बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप PC या लैपटॉप में देंगे मॉक टेस्ट तो आपको एकदम एग्जाम टाइम पे जो फील आता है वो बिल्कुल फील मिलेगा आपको, और यहाँ पर सिर्फ 399 का पास है जो कि पूरे साल तक चलेगा और आप सभी मॉक टेस्ट दे पाएंगे, चाहे वो रेलवे का कोई भी मॉक टेस्ट है, चाहे ग्रुप डी है, NTPC है, साथ में SSC या कोई भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं आप, MTS, CHSL, CGL, CPO किसी की तैयारी कर रहे हैं आप, उसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो एग्जाम टाइम पे प्रेशर क्या रहता है, कैसे हैंडल करना है प्रेशर को और कैसे हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, वो सब आपको एनालिसिस के जरिए पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेस्ट बुक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका प्राइस कम है और साथ ही कम प्राइस में आपको सारे एग्जाम मिल जाएंगे, साल भर तक आप जितने भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का है, वो आप एक ही पास के अंदर दे सकते हैं। जीके की बात करते हैं, जीके में देखिए करंट अफेयर की बात सबसे पहले करते हैं, 2019, 20, 21, 22 सबसे एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख रहा था। जनवरी 2022 का एक क्वेश्चन आया था,
2021 के मैक्सिमम क्वेश्चन थे, वो भी आपके फरवरी से लेके जुलाई तक कह सकते हैं, इस पीरियड के मैक्सिमम क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। जीके आज की थोड़ी इजी थी एज़ कम्पेयर टू जैसे पिछले एग्जाम हुए थे जो भी लेवल 6-4 के, उसकी मुझे जीके थोड़ी टफ लगी थी। आज की जीके आसान थी, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। जैसे आप बात करें पॉलिटिक्स से, आर्टिकल 226 पूछ रखा था हाई कोर्ट के बारे में, आर्टिकल 55 प्रेसिडेंट का था जो वो पूछ रखा था, और आपका पूछ रखा था नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। हिस्ट्री में आपके दो क्वेश्चन मुझे याद है, जैसे डलहौजी का पूछ रखा था उसका कार्यकाल कब से कब तक का था, 1848 से 1856 का टाइम पीरियड दे रखा था ऑप्शन में, वो मैंने टिक करा था। ऐसे ही पूछ रखा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो हड़प नीति जो डलहौजी ने लागू करी थी उसमें पूछ रखा था किस ब्रिटिश जनरल के टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चालू हुआ था, ये पूछ रखा था। दोनों डलहौजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री में, याद नहीं आ रहे मुझे भी, आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। बाकी बायो से दो क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से था एक, केमिकल वेदरिंग का क्वेश्चन था। बायो में मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन ईजी था जो मैंने अटैम्प्ट किया था, बस याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। बाकी जनगणना से एक क्वेश्चन था 2011 की, जनगणना जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेस्टिवल से 3-4 क्वेश्चन थे, पाई का फेस्टिवल उड़ीसा का है वो पूछ रखा था, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय शिलोंग का ये पूछ रखा था, एक आर्टिस्ट का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा था। मैथ रीजनिंग सच में टाइम टेकिंग थी, अगर आपने 80 से 90 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला कि भाई हमने 80 अटैम्प्ट करे या 90 अटैम्प्ट करे, मैंने जिनसे ही पूछा, तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। 80 से 90 जो अटैम्प्ट करे आपने, अगर अच्छे से करें 90-95% एक्यूरेसी से, तो बहुत अच्छा है। 80 से 90 क्वेश्चन में अगर आपने 5 तुक्के भी लगाए थे या 6 तुक्के लगाए थे, तो कह सकते हैं आपने बहुत अच्छा स्कोर करा है। मेरा चंडीगढ़ जोन है, तो चंडीगढ़ का आपको पता है वैसे भी कट ऑफ हाई जाती है, तो मैंने इसीलिए 100-102 तक अटैम्प्ट करे हैं। बाकी मैंने इसके लिए कुछ स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी, तो मैं उस हिसाब से देकर आया हूँ। बाकी देखते हैं जब आंसर क्या आएगी तभी करेक्ट पता चलेगा कि 102 करे हुए वो करेक्ट भी रहे या नहीं रहे, क्योंकि कई बार हम तो 120 भी कर सकते थे हम तो टाइम पे, लेकिन वही है तुक्के कितने रहे, सही कितना परसेंटेज रहा वो मैटर करता है। मैथ रीजनिंग में मैं कह सकता हूँ कि 100% एक्यूरेसी थी मेरी, बट जीके में कुछ क्वेश्चन से मुझे बहुत ज़्यादा डाउट लग रहा है। लगभग 10 क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, अगर मैं ज़्यादा ज़्यादा कहूँ मैक्सिमम, तो मुझे लगता है 10 क्वेश्चन में मुझे डाउट है अभी जीके के। तो मैंने बता दिया मैंने कितने अटैम्प्ट करें, 102 से 103 लगभग मैंने अटैम्प्ट करे थे, इससे कम अटैम्प्ट नहीं करे मैंने। कई लोग कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए, मुझे भी लग रहा है शायद ज़्यादा अटैम्प्ट करें, लेकिन मुझे लगा जाता मुझे आता था जितना मैंने उतना अटैम्प्ट करा, ज़्यादा मैंने जरूर से ज़्यादा तुक्के भी नहीं लगाए हैं। बाकी मुझे लगता है 80 अटैम्प्ट अगर आपने करे हैं 95% एक्यूरेसी के साथ, तो एक अच्छा अटैम्प्ट से कह सकते हैं, एक सेफ अटैम्प्ट है आपका, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप का एग्ज़ाम रहा आज और मैंने कितने अटैम्प्ट करे, मैंने बता दिया आपको। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल है लेवल 4 का एग्ज़ाम मेरा सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम मेरा कल जैसे ही खत्म हो जाएगा, मैं उसके बाद आपके लिए वीडियो ला दूंगा कि मैंने कितने अटैम्प्ट करे, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, क्या क्या क्वेश्चंस आए।